स्वागत है आपका। 3 नवंबर से शुरू होने वाली है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज, जहां पर 3 नवंबर को पहला T20 मैच जो है खेला जाएगा। यहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ रोहित शर्मा जो है वो उतरने वाले हैं, किस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की होने वाली है, जहां पर काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। सारी बातचीत दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम जीतने वाली है पहला T20 मैच, इंडिया या फिर बांग्लादेश? आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों बात करें अगर इस T20 मैच की या फिर सीरीज की, तो काफी सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं इस सीरीज से बाहर हैं, चाहे वो कप्तान विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हार्दिक हो, बुमराह हो या फिर हो भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा चेंज हुई, बहुत ही ज्यादा नई प्लेइंग 11 हमें नजर आने वाली है, जिनको लीड करने वाले हैं रोहित शर्मा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं किस तरह की प्लेइंग 11 होगी। सबसे पहले बात करें अगर ओपनिंग की, तो ओपनिंग बिल्कुल सेम होगी रोहित शर्मा और शिखर धवन की, दोनों ही हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिलने वाली है। बात करें दोस्तों नंबर 3 की, जो कि विराट कोहली की जगह है, यहां पर दोस्तों संजू सैमसन हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर KL राहुल जो है नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जैसा कि वो पहले भी करते हुए नजर आए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो नंबर 3 पर खेलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो KL राहुल हो या फिर संजू सैमसन। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, इनमें से कौन खेलेगा नंबर 3 पर? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। बात करें दोस्तों नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे ऋषभ पंत, जैसा कि सेलेक्टर्स ने कहा है कि बैक करने वाले हैं ऋषभ पंत को, यानी ऋषभ पंत को और भी मौके जो है वो मिलने वाले हैं। नंबर 5 पर दोस्तों श्रेयस अय्यर होंगे, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है रिसेंटली किया है। बात करें नंबर 6 की, तो यहां से ऑलराउंडर्स जो है वो चालू होंगे। नंबर 6 पर हमें शिवम दुबे दिखाई देंगे। नंबर 7 पर दोस्तों कुणाल पांड्या होंगे, तो नंबर 8 पर होंगे वॉशिंगटन सुंदर। यहां तक दोस्तों टीम की बैटिंग लाइनअप होने वाली है। इनके बाद बात करें बॉलर्स की, तो यहां पर दोस्तों युजवेंद्र चहल हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, प्लेइंग 11 में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल चहर यहां पर बाहर बैठ सकते हैं। और आखिरी में दो फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें, तो पहली चॉइस जो है वो होने वाले दोस्तों खलील अहमद और दीपक चहर। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 टीम इंडिया की पहले T20 मैच में हमें नजर आ सकती है। जहां पर दोस्तों बात करें अगर बेंच की, तो शार्दुल ठाकुर हमें बेंच पर नजर आएंगे। इनके अलावा दोस्तों हमें कुछ और भी प्लेयर बेंच पर नजर आएंगे, जैसे कि मनीष पांडे, इनको भी मौका मिलना जो है वो मुश्किल है। इनके अलावा दोस्तों राहुल चहर हमें बेंच पर नजर आएंगे, और KL राहुल और संजू सैमसन में से कोई एक जो है बेंच पर नजर आने वाला है। तो दोस्तों ये 4 खिलाड़ी होंगे बेंच पर। बाकी प्लेइंग 11 किस तरह की होगी हमने बात करी, अब आपको क्या लगता है दोस्तों कैसी प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।